हेलो एवरीवन वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्लास इलेवेंथ हिस्ट्री और यहाँ पर हम क्या देख रहे थे कि किस तरीके से जो स्पेनिश थे या पुर्तगीज़ थे वो पूरे वर्ल्ड पे रूल करना चाहते थे और तीन मोटिव थे उनके दैट इज इकोनॉमिक रिलीजियस एंड पॉलिटिकल उन बंदों को इकनॉमिकली भी ग्रो करना था उन बंदों को रिलीजियसली भी ग्रो करना था और उन बंदों को पॉलिटिकली भी रिली. जो है वो एक्सपेंड होना था तो यूरोपियन इकोनॉमी उस समय बहुत ज्यादा परेशानी में थी दूसरे उनको क्रिस्टैनिटी वगैरह भी फैलाना था अब हमने देख रखा है कि कैसे क्रूसेड्स और तुर्की की वॉर हुई थी वो हम ऑलरेडी चैप्टर फोर में बहुत ही डिटेल में देख चुके हैं उससे फायदा क्या हुआ था कि जो ट्रेड है वो बढ़ा था खासकर स्पाइसेस वगैरह का ट्रेड और उसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज कॉलोनीज बनाना चाहती थी उन रीजन्स में जो वार्मर क्लाइमेट थी अच्छा अब वार्मर क्लाइमेट से क्या फर्क पड़ता है देखिए सबसे मेजर जो वार्मर क्लाइमेट से फर्क पड़ता है वो ये है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा हो सकता है अगर यूरोप का अन्न अनाज ये सब खत्म हो जाएगा तो भैया जीवन कैसे होगा जिंदा कैसे रहेंगे तो इसके लिए उन्होंने क्या करा था फिर कि एक वार्मर क्लाइमेट वाली जगहों के वो कॉलोनी बनाया करते थे और अगर नई रीजन्स की बात करें जहाँ पे गोल्ड और स्पाइसेस मिले तो भाई साहब ये तो सोने पे सुहागा हो जाता था पुर्तगल एक छोटी सी कंट्री थी जिसने इंडिपेंडेंस हासिल करी थी स्पेन से कहाँ पे वन वन थ्री नाइन में और उन्होंने डेवलप करी फिशिंग स्किल्स सेलिंग स्किल्स और उन्होंने भी लीड लेना शुरू कर दिया कि हाँ जी हम भी वर्ल्ड पे रूल करेंगे अब तो हम आजाद हो गए अब तो हम आजाद पंची दुनिया की कोई ताकत हमको रोक के दिखा दो अब जो प्रिंस हेनरी हैं पुर्तगल के जिनको नेविगेटर बोला जाता है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया क्या ऑर्गेनाइज किया कोस्टिंग जो थी वेस्ट अफ्रीका पे और अटैक कर दिया उन्होंने सियोटा पे चौदह सौ पंद्रह में उसके बाद कई सारे एक्सपेडिशन ऑर्गेनाइज किए गए और पुर्तगीज ने स्टैब्लिश कर दिया एक ट्रेडिंग सिस्टम कहाँ पे केप बोजा दौर में जो कि अफ्रीका में था अब अफ्रीकन को कैप्चर किया गया उनको स्लेव बनाया गया और उसके अलावा उनसे गोल्ड डस्ट से प्रीशियस मेटल बनाए जाते थे काफी काम करवाया जाता था उनसे स्पेन में इकोनॉमिक रीजंस की वजह से आ, लोग जो थे इंडिविजुअल इंकरेज हो रहे थे ताकि वो नाइट्स ऑफ ओशन यानी कि ओशन के राजा बन सकें ओशन के वॉरियर बन सकें अब जो क्रूसेड्स वगैरह की मेमोरी है और सक्सेस ऑफ रिकन क्विस्टा रिकन क्विस्टा क्या था रिकन क्विस्टा एक मिलिट्री कन्क्वेस्ट था बाय आइबेरियन पेनसुला क्रिश्चन किंग्स के द्वारा अरब्स के ऊपर फ्रॉम द अरब्स इन फोर्टीन तो पेनसुला जो रिकन किया था किसने किया था किंग ने अरब से तो ने वापस से वहां पे वर्क करना शुरू कर दिया और जो कॉन्ट्रैक्ट इससे राइज हुए थे उनको लेशियंस बोलते हैं कुछ भी आप बोल सकते हैं इन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो स्पेनिश रूलर थे उन्होंने क्या क्लेम किया राइट ऑफ सवेरे राइट ऑफ सवेरे और न्यूली कंकर्ड टेरिटरीज इसके अंदर क्या था कि स्पेन ने कहा कि हम जो आपका सारी चीजें ना वो सवेरेन रहेगी यानी कि एक तरीके से आप ये देखिए सवेरेन का मीनिंग यहाँ पे क्या बन रहा है कि जो भी लैंड उन्होंने कॉनकर करी है उस लैंड पे रूल उनका ही रहेगा बट हाँ जिन लोगों ने जीतने में मदद करी है वो वहां पे लीडर्स बन सकते हैं ये सारे काम हो सकते हैं अब भैया स्पेन और पुर्तुगीज ने बड़ी तबाही मचाई है तभी जाके फिर बाद में वो खत्म हुए हैं बट अभी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि किस तरीके से सारी चीजें डील हुआ था अब क्रॉसिंग की अगर हम बात करें तो एक बंदा था हमारा क्रिस्टोफर कोलम्बस देखो भैया कुछ लोग इस बंदे को हीरो बोलते हैं कुछ लोग इस बंदे को तबाही का कारण बोलते हैं कोई कुछ भी बोल सकता है मेरे लिए क्या हिस्ट्री का सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है मैं ना इसको तबाही समझ रही हूँ मैं ना इसको कोई महान आदमी समझ रही हूँ बट हाँ इसका करेज मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी कि ये बंदा इतना करेजियस था कि इसको लगता था दुनिया में कुछ भी कर सकता है मतलब होते ना कुछ बावले लोग आपके हमारे जैसे जिनको लगता है हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं और वो उस चीज़ के लिए पूरी मेहनत भी करते हैं तो जो क्रिस्टोफर कोलम्बस था एक सेल्फ टॉट मैन यानी कि उसने खुद ही खुद को सारी चीज़ें सिखाई थी उसको एडवेंचर ग्लोरी ये सारी चीज़ें बहुत पसंद थी और वो क्या बिलीव करता था कि उसकी जो डेस्टिनी है ना वो डिस्कवरिंग रूट टू द ईस्ट कि वो ईस्ट में जाएगा और डिस्कवर करेगा ईस्ट में क्या था अगर हम यूरोप के ईस्ट में देखें तो इंडिया था इंडिया को वो ढूंढना चाहता था कि ठीक है ईस्ट में और बाय सेलिंग वेस्ट वर्ल्ड वेस्ट की तरफ जाएगा तो ईस्ट में पहुंच जाएगा क्योंकि दुनिया गोल थी सी बात है तो अब किससे इंस्पायर था वो ही वॉज इंस्पायर्ड बाय रीडिंग इमागो मुंदी इमागो मुंदी के वर्क से वो इंस्पायर्ड था जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी और जोग्राफी पे कई सारी रिसर्च वगैरह लिखी थी और ये बुक का नाम था और ये लिखी किसने थी ये लिखी थी कार्डिनल पियार डी एली फोर्टीन हंड्रेड टेन में उसने अपने प्लान पुर्तगीज क्राउन था पुर्तगीज राजा था उसके सामने रखे बट उन्होंने इसके ऑफर को टर्न डाउन कर दिया उन्होंने भरोसा नहीं किया कि हाँ भाई ये ऐसा कर सकता है बट जब उसने स्पेनिश अथॉरिटीज के सामने रखा तो ये मॉडल सेंक्शन हो गया और उसने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी तीन अगस्त फोर्टीन नाइनटी टू को अब जो कॉलम्बस था उसका जो क्रू था पूरा ग्रुप था वो इतनी बड़ी शायद जर्नी के लिए तैयार नहीं था उनको नहीं पता था कि ये शिप जो ये जर्नी है इतनी बड़ी होगी अब जब वो फ्लीट था उसका बहुत स्मॉल था एक स्मॉल नाव थी नाव एक टाइप की शिप वगैरह को ही कहते हैं और उस शिप का नाम उस नाव का नाम क्या था संता मारिया और टू कैरवल्स थे यानी कि स्मॉल लाइट शिप्स थी जिनके नाम थे पिंता एंड नीना अब कोलम्बस को पहले तो देख के उसको लगा कि यार ये क्या है क्या इससे सच में जर्नी पूरी हो पाएगी पर उसने अपने आप को करेज दिया उसने कहा नहीं भाई सोचा सोचें तो हो ही जाएगी तो उसने संता मारिया की कमांड संभाली चालीस और सेलर्स के साथ उन्होंने आउटवर्ड जर्नी स्टार्ट करी तैंतीस दिन तक लगातार जर्नी करने के बाद ना उस नाव को कोई सी मतलब ना उस नाव को कोई जगह दिखाई दे रही थी ना कोई जानवर ना कोई पक्षी दिख रहा था तो सिर्फ समुद्र और आकाश ओनली सी एंड स्काई इस टाइम तक जो क्रू था वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और कुछ लोगों ने क्या डिमांड करी कि वापस मुड़ जाते हैं भाई शायद आगे कुछ भी नहीं हम जिंदा बचना है हमें तो हमें वापस यहाँ से मुड़ जाना चाहिए 12 अक्टूबर 1492 नाइनटी टू वहां पर उन्होंने क्या देखा फिर कि एक लैंड उन्हें दिखाई दी और वो वहां पे कलम्बस पहुंचता है उसको लगा कि ये इंडिया है बट वो था क्या वो आइलैंड ऑफ गोवान हनी था बहामास में अब बहामाज नाम भी इसको कोलम्बस ने दिया था बहामास वर्ड आया है बजा बजामार ने बजा मार का मतलब होता है एक आइलैंड जिसके आसपास पास शेलो सीज है अब वहां पे उनको वेलकम किया था अरावक्स ने इससे पहले वाले क्लास में हमने क्या देखा था कि अरावक्स कौन थे भैया एक तरीके से ट्राइबल लोग थे और बहुत ही सिंपल सीधे साधे लोग थे बहुत ही हैप्पी लोग थे उनको कोई आ, पावर वावर का लालच नहीं था तो जैसे ही वो आते हैं दे वर सो हैप्पी टू शेयर देयर फूड एंड प्रोविजंस जैसे ही वो लोग आते हैं अरावक बहुत खुश हो जाते हैं उनका अच्छे से स्वागत करते हैं मतलब इतने अच्छे से स्वागत किया जाता है अरावक के द्वारा कि कोलम्बस के ऊपर ये बहुत ही डीप इम्प्रेशन छोड़ देता है पर भैया देखो जो पेड़ सबसे सीधे होते हैं ना वो सबसे पहले काटे जाते हैं तो अगर आप अच्छे हो ठीक है अच्छी बात है बट कोई आपकी अच्छाई का फायदा ना उठाए पर यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं अलावक्स ने सोचा यार हम अच्छे हैं तो शायद सारी दुनिया ही अच्छी है अब जो कॉलम्बस है उसने अपनी बुक में क्या लिखा है कि वो इतने अच्छे थे कि दे वो फ्री विद ऑल दे हैव वो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि उनसे अगर कोई सामान मांग लो मतलब अगर आपने उन्हें देखा नहीं होगा ना तो आप बिलीव नहीं करोगे कि इतने अच्छे लोग सच में होते भी हैं अगर मैंने उनसे कुछ भी चीज मांगी ना तो उन्होंने कभी ना नहीं कहा वो आपको इनवाइट करते हैं सारी चीज़ें शेयर करते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यार देते हैं आपको अब भाई इतना प्यार उसको मिला बट तो कोलंबस का मकसद ये नहीं था उसका मकसद एक्सपेंशन था जगहों को ढूंढना था उसकी कंट्री को एक्सपेंड करना था अब जो कोलंबस है उसने वहाँ पे स्पेनिश फ्लैग लगा दिया गोन हानी में जिसका बाद में नाम सैन सेल्वेदर हो गया था प्रेयर सर्विस करी और उसने लोकल जो लोग थे ना वहाँ पे उनसे कंसल्ट भी नहीं किया और उसने अपने आप को वहां का वाइस रॉय बता दिया गॉड अब देखो यूरोपियन नेटिव अमेरिकन से मिल रहे हैं उसका एक फोटो दे रखा है अब उसने क्या करा कि जो उसके आगे के आइलैंड्स जैसे कोबंस का जो कि आज के टाइम पे कूबा आइलैंड है जिसको लगा जो उसको लगा जापान है और किस किया है जिसका बाद में नाम हिस्पैनियोला हो गया था जो बाद में दो कंट्रीज में डिवाइड होती है हाईती और डोमिनियन रिपब्लिक अब इन सब पे उसने धीरे धीरे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया अब गोल्ड इमीडिएटली अवेलेबल नहीं था लेकिन जो एक्सप्लोरर्स थे उन्होंने क्या सुन रखा था कि शायद ये हिस्पेनिओला में मिल सकता है और हिस्पेनिओला कहाँ पे इन द माउंटेन स्ट्रीम्स इन द इंटीरियर अब लेकिन जब तक वो बहुत ज्यादा आगे जा तो एक्सपेडिशन था वो ओवरटेकन हो गया और उन्हें फियर्स कैरेब ट्राइब्स की हॉस्टिलिटी झेलनी पड़ी यानी कि जो अरावक्स थे उन पे कैरेब ट्राइब्स ने अटैक कर दिया अब जो ये सारे लोग थे इन्होंने सोचा भाई इतनी सारी सेना वेना तो है नहीं हमारे पास हम वापस चलते हैं यहाँ से अब रिटर्न जर्नी थी वो थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट थी क्योंकि शिप्स टूट चुकी थी फिर बहुत ज्यादा थक चुका था होमसिक हो चुका था होमसिक मतलब घर की याद आना तो पूरी जर्नी में थर्टी टू वीक्स लगे उसके बाद कुछ और वो याजिस कुछ और जर्नीज हुई जिसमें कोलम्बस ने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का एक्सप्लोरेशन किया और जैसे भामाज में ग्रेटर आंथलीस साउथ अमेरिका में मेनलैंड में, में कोस्ट में अब काफ़ी सारी जर्नी करने के बाद उसको क्या रियलाइज हुआ कि ये इंडीज नहीं था जबकि कुछ और है कोई एक नया कॉन्टिनेंट है जो उसने ढूंढा है अब जो कोलम्बस का अचीवमेंट था उसको क्या किया गया उसको अच्छी तरीके से यूज किया गया बाय अदर स्पैनिश एंड पुर्तगीज़ मतलब जो प्लेसेस उसने ढूंढे थे उससे जो बाकी कंट्री थी जिसकी वो कंट्री से बिलोंग करता था उनको बड़ा फायदा होने वाला था लाइक like, जैसे जो प्लेसेस हैं सिंस प्लेसेस आर ऑफन गिवन नेम ऑफ इंडिविजुअल्स इट इज क्यूरियस दैट कोलंबस इज कम मेमोरेटेड ऑन स्मॉल डिस्ट्रिक्टिंग रेस मतलब आप ये देखिए जो जगह है जगहों के नाम लोगों के नाम पे देने की बहुत पुरानी प्रथा है लेकिन यूएसए में सिर्फ दो ऐसी जगह है जिनका नाम कोलंबस के नाम पे रखा गया है जैसे साउथ अमेरिका को कोलंबिया और जबकि वो तो वहां पे गया भी नहीं और जो दो कॉन्टिनेंट थे उनको नेम रखा गया बाय अमेरिगो वेस्ट के नाम के ऊपर जो जोग्राफर था फ्लोरेंस से और उसने क्या रियलाइज़ किया था कि ये नया वर्ल्ड बहुत ही बड़ा है ये कोई छोटा मोटा आइलैंड नहीं है दैट इज वेरी बिग और जो अमेरिका वर्ड है वो पहली बार जर्मन पब्लिशर के द्वारा फिफ्टीन जीरो सेवन में यूज़ किया गया था अब स्पेन ने वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट कर दिया जो कॉलम्बस भाई साहब थे उन्होंने तो अपना वर्क कर लिया उन्होंने सारी चीज़ें ढूंढ ली अब उस पर वर्क होना स्टार्ट हो गया अब स्पेनिश एक्सपेंशन हुआ स्पेनिश एक्सपेंशन जो था ना वो बेसिकली मिलिट्री स्ट्रेंथ का डिस्प्ले था वो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ गन पाउडर हॉर्सेस से लोगों पे कंट्रोल किया करते थे अब जो लोकल पीपल थे वो एक तरीके से अब कंपेल हो गए गोल्ड और सिल्वर माइंस में वर्क करने के लिए अब जो इनिशियल डिस्कवरी थी वो उसके बाद उन्होंने छोटा सेटलमेंट किया वहाँ पर जो पीपल थे वो इनहेबिटेंट जो लोकल इनहेबिटेंट थे वहाँ के उनको लेबर बनाया गया स्लेव बनाया गया ज्यादा गोल्ड की खोज में लगाया गया अब जो ग्रीड फॉर गोल्ड थी उसकी वजह से बहुत सारे वॉयेंट इंसिडेंट्स हुए जो लाइक स्पेनिश फ्रायर हैं एक फ्रायर क्या होते हैं जो एक तरीके से आप समझो मोंग्स टाइप होते हैं बारतोल में दी लास कैसास वो बहुत ही सीवियर क्रिटिक हैं स्पेनिश के वो कहते हैं कि स्पेनिश जो थे ना उन्होंने अपनी तलवारों को जो नेकेड फ्लैश था ना अरावक्स यानी कि अरावक लोगों के एक तरीके से वो इतने मासूम लोग थे फिर भी स्पेनिश लोगों ने उन पर खूब अपनी सारी तलवारें टेस्ट करी और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने हत्याएं करी है वहाँ की तो उनकी बहुत बुराई करते हैं वो अब जो मिलिट्री रिप्रेशन था फोर्स लेबर थी जिसकी वजह से वहाँ पे बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो गई जो अरावक थे उनको स्मॉल पॉक्स हो गए और इम्यूनिटी कम होने की वजह से लार्ज स्केल डेथ हुई और जो लोकल पीपल थे ना वो क्या कहते थे कि ये शायद स्पेनिश ना स्पेनियार्ट कुछ इनविजिबल बुलेट्स चला रहे हैं जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा मर रहे हैं बहुत ही मौतें हुई बच्चे बहुत ही मौतें हुई अब जो एक्सपेडिशंस था कोलंबस का उसके बाद क्या हुआ सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका उसकी खोज करी गई लाइक like, पचास साल के अंदर ही स्पेनिश ने एक्सप्लोर कर दिया था पूरा वास्ट एरिया ऑफ वेस्टर्न हेमस्फेयर लाइक फोर्टी डिग्री नॉर्थ से फोर्टी डिग्री साउथ तक और कोई भी उनको चैलेंज करने वाला नहीं था अब इसके सामने जो ब्रिटिश कॉन्कर्ड लैंड्स थे उनसे पहले उन्होंने दो एम्पायर में और रूल कर रखा था दैट इज हर्न और मतलब इन दोनों लोगों की मदद से उन्होंने और भी दो ग्रेट एम्पायर को जीत रखा था जो एक्सप्लोरेशन थे उनको फ म्यल काउंसिल नोबल मैन इन सब ने उनको पैसों में मदद करी थी अब देखिए कोर्थिस इन आजिक्स कोर्थिस कौन है कोर्थिस आर लाइक आप स्पेनियर स्पेनिश लोग जो हैं स्पेनिश आर्मी एक तरीके से वो कोर्थिस थे और आस्टिक्स। कौन थे जो अरावक्स के बाद वहां पे सेटल आउट हुए थे अब कोर्टिक्स और उनके जो सोल्जर्स थे अब कोर्टिस जो थे एक बंदे का नाम था उसके पूरे ग्रुप को ही कोर्टिस एक तरीके से बोल दिया जाता है तो कोर्टिस और उसके सोल्जर्स थे जिनको कॉन्क्वि तैदोर्स बोला जाता है उन्होंने मेक्सिको को कॉन्कर किया मतलब स्विफ्टली एंड रुथलेसली बहुत ही जल्दी से और बहुत ही निर्दयता से लाइक फिफ्टीन नाइनटीन में कोर्टिस ने कूबा से मैक्सिको गया वो उसने तोतोनाक्स को फ्रेंड बनाया जो वहाँ पे एक ग्रुप था और उसको अब आज पे रूल करना था अब जो आज किंग था वो बहुत ज्यादा परेशान था मोन्तेजूमा नाम था उसका उसको टेरिफाइड था वो बहुत ही डरा हुआ था क्योंकि उसको पता था कि ये जो स्पेनिश लोग हैं ना बहुत ही अग्रेसिव हैं और गन पाउडर से हॉर्सेस से ख़त्म करने में ना किसी को भी ख़त्म करने में ज्यादा समय लगाते हैं नहीं तो जो मजुमा था उसने अपने आप को क्या कन्विंस किया कि ठीक है जी जो कॉर्तेस हैं उनकी हम मदद करेंगे लाइक like अगर हमको जिंदा बचना है तो क्योंकि उसको क्या लगता था कि जो गौरतिस है वो एक तरीके से उस गॉड का अवतार है जिस गॉड को हमने इस धरती से हटा के इस धरती पे कब्जा किया था और वो भगवान उससे बदला लेने के लिए आए अब देखिए बैनार दिया बैनार दियास कौन है जो गौरतिस की आर्मी का ही एक बंदा था ये उसने क्या देखा कि जैसे ही हम इन सिटीज और विलेजेस में पहुंचते हैं जो लाइक वाटर के बीचों बीच बनी हुई है और इतनी ज्यादा खूबसूरत है जिससे हम मेक्सिको सिटी में जाते हैं हम बिल्कुल सरप्राइज थे ये टाउन्स ये बिल्डिंग्स इतनी खूबसूरत नज़ारा हमको लग रहा था हम शायद किसी सपनों की दुनिया में हैं और हमारे कुछ सोल्जर्स ने पूछा भी था कि क्या ये सपना है क्या ये सच में हकीकत है या सपने में जी रहे हैं अब दोना मरीना कौन थी तो जो कैसेलो uh, दिया क्या कहते हैं इन्होंने राइटिंग लिखी है ट्रू हिस्ट्री ऑफ द कॉन्केस्ट ऑफ मेक्सिको वहाँ पे दाना मरीना एक वूमेन अटेंडेंट थी और वो फ्लुएंट थी थ्री लैंग्वेजेस में और वो ही सारी लैंग्वेज को इंटरप्रेट किया करती थी जिसकी वजह से ही हम वहाँ पे अटैक कर पाए वहां पे हम रूल कर पाए अब दियाज ने क्या सोचा कि वो एक प्रिंसेस है बट मैक्सिकन ने उनको मैलेंश बोला था मैलेंश मीन धोखेबाज बिटरे कि उसने ही हमें धोखा किया तभी हम स्लेव बने अब ने क्या था दे अगेंस्ट फियर्स फाइटर हु सबमिटेड

बहुत ही खतरनाक खतरनाक नाम है इनके बट कोई बात नहीं धीरे धीरे प्रोशन अच्छे से याद हो जाएगा अब वो वहां पे पहुंचते हैं आठ नवंबर पंद्रह उन्नीस में अब इनवेडिंग स्पेनियार्स जो थे वो लाइक वो तानोश तिलन को देखकर एकदम से डमस्ट रह जाते हैं पहुंचक के रह जाते हैं लाइक इट वाज फाइव टाइम्स लार्जर देन बेद्रित और एक लाख इनहेबिटेंट्स थे और इनकी जो पॉपुलेशन थी ना वो सेवाइल से दुगनी थी सेवाइल क्या था स्पेन का लार्जेस्ट सिटी अब जो कॉर्टेस थे वहाँ पे जो मोन्तेमा था जो आज का हेड था उसने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया अब भैया हालत खराब थी क्योंकि आप ये सोचो आपके सामने मौत आई और आप मौत का स्वागत नहीं करोगे तो अभी मर जाओगे मौत का स्वागत करोगे तो शायद थोड़ी देर बाद मरोगे तो आज ने क्या करा उन्होंने उसको वहाँ पे घुमाया एम्पर ने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हाय मेरे तो दिल में दर्द हो रहा है सोच के कि वो बंदा सोच के रहा होगा उस समय अब उसके जो पीपल थे उन्होंने ये सब चीजें सुन रखी थी कि उन्होंने किसी किसी कैलेंस को मारा था और उन लोग वो लोग जो थे वो क्या सोच रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि हम सब लोगों ने

लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे एक फ़ियरफुल मौसम में माहौल में वो जी रहे थे सो so, इस प्ल्ट यहीं तक रखते हैं इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी एज सुन एज पॉसिबल सो थैंक यू सो मच मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो थैंक यू